फ्रेंड्स, आप लोगों का सबसे छोटा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ब्रेसलेट बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले नोट लगा के चेन बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स 61 चेन बनाएंगे। नेक दिखाते हैं। 59, 60, 61 चेन हो गया फ्रेंड्स। इसको फर्स्ट चेन को छोड़ेंगे, सेकंड चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से सारे चेन में डाल करके यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया पूरे में बन के कम्प्लीट हुआ फ्रेंड्स। यहाँ वन चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे। यहाँ से फिर दूसरा कलर लगाएंगे। सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। ये पूरे लाइन व्हाइट कलर से चलेगा। ऐसे बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स पूरे लाइन को। इससे पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद वहाँ वन चेन ले करके हम इसको कट कर देंगे। ऐसे ऑरेंज कलर लगाएंगे। से लग कर दिए। ऐसे में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया।
इसी तरह से फ्रेंड्स एक पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ज़्यादा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर वन चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे। यह दो चेन इस तरह से जो दिख रहा है, यह दो लूप इसमें एक में से डाल करके इस तरह से 16 चेन बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 चेन बना के फ्रेंड्स वन और टू चेन को छोड़ करके, वन और ये टू चेन को छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टू सिंगल क्रोशिया हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड। इसके बाद ये सेकेंड वाला चेन में डाल करके बैक लूप से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से थ्री चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे। 16 चेन बनाएंगे, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर यहाँ पर थर्ड वाला चेन में डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यू यहाँ तक बनाएंगे फ्रेंड्स। इसी से 14 सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। इसमें स्लिप स्टिच नेक्स्ट चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। एक और नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, इस तरह से थर्ड चेन में भी डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर यहाँ पर 16 चेन बनाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक बना के कंप्लीट करेंगे। करके दिखाते हैं कि फ्रेंड्स इस तरह से यह टोटल कंप्लीट कर लिए। और यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लूप हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें वाइट कलर का धागा लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे, सेम इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक और इसमें या टू सिंगल क्रोशिया हो गया, वन चेन ले लेंगे फ्रेंड्स। वन चेन ले लेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें टू सिंगल क्रोशिया, फिर वन चेन ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर वन चेन। इसी तरह से यह पूरे राउंड में बनाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स सारे में बना लिए। इसके बाद वन चेन लेकर के इसको पलट देंगे, सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये जो वन चेन जो लिए हैं फ्रेंड्स, इसमें भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, फिर इसको घुमा देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। यहाँ पर 16 चेन फिर से बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अरे टू चेन को छोड़ करके फ्रेंड्स दिख रहा होगा फ्रेंड्स, थर्ड वाला चेन में डाल करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। जैसे 14 सिंगल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स, और यहाँ पर बैक लूप में डाल करके इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। 1, 2, 3 स्लिप स्टिच हो गया, और फिर यहीं पर 16 चेन बनाएंगे। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स पूरे रो में यहाँ तक बना के कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यह पूरा रो कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ ऑरेंज कलर लगाएंगे। सेम इसी में डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक और सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना देंगे। वन चेन लेंगे और नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से वन चेन लेंगे। जैसे यहाँ पर रिपीट किए थे फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से यहाँ भी बनेगा, एक और इसी तरह से ऑरेंज कलर का बनेगा। तो बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सेम इसी के जैसा एक इलान और बना करके कंप्लीट कर लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से फिर ऑरेंज
धागा लगा के इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बना देंगे। फिर वन चेन लेंगे, इसमें भी दो सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें भी दो सिंगल क्रोशिया, फिर वन चेन। इसी तरह से फ्रेंड्स यह पूरे रो को कंप्लीट करेंगे, करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से सेम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बना करके कंप्लीट कर दिए। फिर यहाँ से वाइट कलर लगाएंगे, जैसे यहाँ पर वाइट कलर लगाए थे। सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे सेम स्टिच में, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे। इसी तरह से फिर सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाइट कलर से भी यहाँ तक कंप्लीट कर दिए। और यहाँ वन चेन ले करके इसको कट कर देंगे। यहाँ से फिर ग्रीन कलर लगाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे, जैसे ये लास्ट राउंड है। इसी तरह से बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स इसको इस तरह से बनाएंगे। पहले इसको इस तरह से घुमा देंगे, फिर इसको इसमें डाल के इस तरह से निकाल के ले जाएंगे। जैसे सेकंड में भी इसी तरह से बनाएंगे। इसको इस तरह से पहले घुमा देंगे और इसको नेक्स्ट इसमें भी इसी तरह से पहले कर देंगे और इसके बाद इसी तरह से फ्रेंड्स आगे ऊपर कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद
यहाँ से ग्रीन कलर लगाएंगे, 3 चेन लेंगे, 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। सेवन एट टेन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 2 3 चेन लेंगे, 1 और 2 को छोड़ करके थर्ड वाला में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। हर राउंड में 2 छोड़ते हुए बनाएंगे। इस राउंड में टोटल 14 डबल क्रोशिया हो जाएगा। पलट देंगे और फिर 1 2 को छोड़ करके थर्ड वाला में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से यहाँ तक बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये लाइन कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 3 चेन ले लिए और 1 और 2 को छोड़ करके डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स 1 चेन ले करके इसको कट कर देंगे और इस तरह से रबर बैंड डाल देंगे। यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स यह हेयर बैंड बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। और अगर इसमें बटन लगा देंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा बना देंगे तो यह ब्रेसलेट इंडिपेंडेंस डे के लिए बन के तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर यह डिज़ाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।